सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज 11th क्लास का केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला पर एक ऐसा क्वेश्चन जो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला दोनों बताता है। पिछले वीडियो में मैंने एक न्यूमेरिकल बताया जिसमें सी और एच था और दो होमवर्क दिया था। एक अभी फिर से नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उसमें भी हम लोगों को मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो आइए देखते हैं, ये जैक, सीबीएसई और एनडीए तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैक, सीबीएसई और एनडीए तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सीधे ऑन टॉपिक बात करते हैं हम, ठीक है, बिना समय बर्बाद किए। क्वेश्चन है, द मॉलिकुलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 88। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर मास 88 है। जैसा कि अभी बता रहे थे कि कोई एक ग्लास है, इस ग्लास में कोई लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड है भी, ठीक है। तो एक लिक्विड है जिसका मॉलिकुलर मास 88 है, कितना है 88। इस ग्लास में कार्बन 54.3%, कितना 54.3%, हाइड्रोजन 9% और ऑक्सीजन 36.7% है। तो इसमें कौन सा लिक्विड है इसके बारे में बात करना है, बनाना है, क्लियर। तो रूल क्या है अपने पास, अपने पास रूल ये है कि सबसे पहले ये बॉक्स सबको बनाना है हर क्वेश्चन में एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला में। उसके बाद हम लोगों को एलिमेंट का नाम लिखना है, अपने से नहीं, क्वेश्चन में दिया है। यहाँ अपने पास तीन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और, तो इधर क्या लिख दूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज लिखिए 54.3%, परसेंट तो ऊपर है। उसके बाद हाइड्रोजन 9%, ऑक्सीजन 36.7%। आप सब जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है 12, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16, क्लियर है। यहाँ तक सब कोई जो भी बनाए होंगे या इस क्वेश्चन को देखे होंगे या अभी क्लास में बनवा रहे थे, सब कोई का सही होगा, क्लियर, ठीक है। गलती यहाँ किए हैं, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ अब कहाँ गलती कर सकते हैं और किए हैं और करेंगे। उसके बाद मोल्स ऑफ एटम्स निकालने के लिए उसके परसेंटेज से एटॉमिक मास में डिवाइड करते हैं, ये रूल नंबर 1 है एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए, क्लियर। तो 54.3/12, 9/1 और 36.7/16 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्लियर। वन से डिवाइड करेंगे तो, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना, 29, क्लियर है। रूल नंबर 1 कि उसके परसेंटेज में उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, क्लियर। रूल नंबर 2, जो भी इसमें डिवाइड करने के बाद सबसे स्मॉलेस्ट है उस स्मॉलेस्ट डिजिट वाले से सब में डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, यही है ना, अंडरलाइन कर दिया करेंगे जब हम बनाएंगे तो, कि ये छोटा है इसी से डिवाइड करने जा रहे हैं, क्लियर। इधर 4.52 मतलब 4.52 को 2.29 से, 9 को 2.29 से, 2.29 को 2.29 से, क्लियर। डिवाइड करने के बाद कितना आया, 1.97। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आया, 93। इसको डिवाइड करने पर 1 आया, ठीक है। अब गलती यहीं से आपका स्टार्ट होता है, यहाँ तक हम चाहते हैं, सॉरी हम जानते हैं कि आप सब का सही होगा, 200% गारंटी यहाँ तक सब सही करता है। गलती यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। गलती कहाँ कहाँ स्टार्ट होता है, नंबर 1, इसको आप कहेंगे कितना लिखेंगे,
तो ये लगभग दो के बराबर में है, ये इस पे गुना करने का जरूरत नहीं है, ये लगभग चार के बराबर में है। और ये अगर यहाँ भी आप पार कर गए होंगे, हम जानते हैं कि आप कहाँ पार किए हैं और कितना पार किए हैं, ठीक है। चलिए इधर, अभी करेक्शन नहीं, कॉपी में नो करेक्शन, आप देखेंगे, ठीक है। अभी अभी हम बिना एक बोर्ड और निकाले हम पूरा यही आंसर बोल देंगे बिना देखे, आप सुन के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो C का अनुपात, H का अनुपात, O का अनुपात 2:4:1 आया, 2:4:1 आया, कितना आया 2:4:1। अब यदि आप यही 3 लिख देते हैं या कुछ गलत सलत कर देते हैं तो यहीं से फाइनल हो जाता है कि आप गलत बना रहे हैं। yes, हाँ या नहीं? yes, तो देखिए कहाँ गया, नेक्स्ट पेज इधर। तो C कलर चेंज करके लिखते हैं, C अनुपात H अनुपात O, ब्लू करते हैं इसको, ब्लू कितना आया बाबू, 2:4:1:2:4:1:2:4:1, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर द एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ देखिए कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में जब हम बताए तो यहाँ सी एच लिख दिए, इधर सी एच, तो यहाँ पे कुछ लोग सी एच ओ लिख दिए, जी नहीं, क्या लिखेंगे ध्यान देना, क्या लिखेंगे, सी के साथ कितना है 2, एच के साथ कितना है 4 और ओ के साथ कितना है 1, तो लिख देंगे C2H4 1, क्लियर। यस सर। हाँ, तो इसके बाद क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला ये निकला आपका और इसका मास निकालना है, तो कार्बन कितना है 12 × 2, कुछ लोग सी एच ओ लिख के सी एच ओ का निकाल दी थी, यस नो, यस, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो आया उसका मास निकालना है, सी एच ओ का नहीं, जो आया, क्लियर, गलती समझ रहे हैं ना कहाँ कहाँ पकड़ दे रहे हैं, yes, हम जहाँ बोल रहे हैं वही गलती आप कर रहे हैं और दूसरा जगह नहीं, क्लियर। इधर तो C कितना 12, तो 2 से गुना कर दिया, H कितना 1, तो कितना से गुना करेंगे 4 है, तो 4 से, और ऑक्सीजन बताइए कितना हुआ, 12 × 24 +4 + 16 = 20, 40 × 4 = 44, क्लियर। कुछ लोग कितना है 88, मास कितना दिया है अपने पास 88, तो ये 88 n × 44, थोड़ा अब यहाँ समझिए क्वेश्चन का गेम, क्वेश्चन का हिंट से समझिए, ठीक है, सबको जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का हिंट्स क्या होता है, ये 88 दिया है यार, तो तुमको याद रखना चाहिए कि पक्का ऐसा कुछ आना चाहिए जो 88 को काट दे, दशमलव में नहीं आएगा ये गारंटी ले रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन देंगे दशमलव में नहीं, मतलब 88 के बाद n के साथ जो गुना में आ रहा है वो काट नहीं रहा है पूरी तरह से, पूरी पूरी नहीं काट रहा है, पूरी पूरी नहीं, पूरी पूरी तो आप गलत बना रहे हैं, क्लियर। तो n बराबर कितना हो गया यहाँ, क्लियर। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे C2H4 अभी क्लियर नहीं, अभी यहाँ के बाद क्लियर, और फिर n इतना कितना है 2, तो आपका जो बन गया C4H8 और O2। अब ये किसका फार्मूला है ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इसका फार्मूला हम लोग बनाएंगे, क्लियर। तो ये निकालने समझ गए सब कोई, अब तो गलती नहीं होना चाहिए, नहीं ना, कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे, क्लियर है, ठीक है। इसीलिए इसको बताएं कि एक दिन में क्लियर होना चाहिए चाहे समय जो लगे, और फिर कल के लिए बाकी रहता तो आप कल गलत बना के आते। जो होमवर्क मिला है हम उम्मीद करते हैं कि आप YouTube से उसको देखकर क्वेश्चन देखेंगे, और हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि एक बार आप रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद ये दोनों क्वेश्चन को देखने के बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज के लिए इतना, फिर केमिस्ट्री में कल मिलते हैं नए क्लास के साथ, नए न्यूमेरिकल्स के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।